वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को, मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी से लाइव आओ और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कैसे हो तुम लोग। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम अभी तो जस्ट छोड़ के गई हूँ आप 20 मिनट पहले, और इतनी देर में हमें क्या हो जाएगा, मुझे पता है कुछ नहीं होगा। स्टिल मेरा पूछना तो तुम लोगों से बनता है ना कि तुम लोग कैसे हो, ठीक ठाक हो, सब ठीक चल रहा है, अपने आप को जीवित महसूस कर रहे हो, हैं जीवित प्राणी की तरह बिहेव कर रहे हो। जल्दी बताओ सांस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तो तुम्हें बहुत अच्छी सांसें आ रही होंगी, रोज मुझसे मिलते हो तुम। आरती कुमारी कह रहे हो वीडियो क्यों नहीं चल रही है। आरती वीडियो नहीं चल रही होती तो मैं तुम्हारा कमेंट कैसे पढ़ रही होती, है ना आरती, पते की बात है ना ये। गुड इवनिंग सोनू जितेंद्र, अभिनंदन यादव, अमन वर्मा, विनय पाल, मिशा भारती, प्रमोद टैंक, सुरेंद्र, समी, राहुल, रोहित, रोनित, आर से सारे एक साथ आ गए क्या। चलो बताओ कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, जीवित महसूस करवा रहे हो अपने आप को। बार बार लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो, काम आएगी, है ना, लड़ने के लिए। जो तीसरी वेव आ रही ना कोरोना की, उससे लड़ने के लिए काम आएंगी। पहले से ही सांसें स्टोर कर लो फेफड़ों में बहुत सारी। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। आ गए हैं बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे लेट से आ रहे, दो मिनट इंतजार करते ना, आने दो, अभी बच्चे बहुत कम आए हैं। डेली वाले बच्चों को, सारे बच्चों को आने दो। कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट जागते हैं ना, थोड़ा लेट समझ में आता है उन्हें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, थोड़ा दो तीन मिनट इंतजार करते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज किसकी क्लास है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, दो दिन बायोलॉजी, दो दिन केमिस्ट्री, फिर दो दिन बायोलॉजी। तो पहले दो दिन हमने क्लास वन और क्लास टू तो किसका करा था, बायोलॉजी का करा था, फिर क्लास थ्री किसका करा, केमिस्ट्री का करा, आज भी क्लास फोर किसका होगा, केमिस्ट्री का, और कल और परसों किसका नंबर है, बायोलॉजी का नंबर है, है ना। कल और परसों वापस बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आना स्टार्ट हो गए बच्चे, मैम राजस्थान की धरती से पांव लागू, खुश रहो राजस्थान वालों, बिहार वालों और यूपी वालों, महाराष्ट्र वालों, पंजाब वाला, उड़ीसा वाला, सब खुश रहो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। चलो बच्चों कुछ बातें सुन लो, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी बैच परचेस करोगे तो मेरा नाम लगा देना काजल। और हाँ, ये आज रात को ख़त्म होने वाला था लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने इसको कल रात 12 बजे तक करवा दिया। कल रात के 12 बजे तक कोई भी बैच परचेस करो, मेरा नाम लगा देना बस, है ना, खुशी खुशी लगा देना। आइए, इसके अलावा हमारा बैच कौन सा है तो आप जानते हैं, डेली हमारा यहाँ पर एक प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस क्या, मैं अगर बात करूं तो थ्योरी करवा देती हूं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करवा के चली जाती हूं, इसे प्रैक्टिस थोड़ी कहते हैं, है ना। ये हमारा डेली यूट्यूब पे चलने वाला है और ये महासंगम बैच 3 जिसकी हर जगह चर्चे हो रहे हैं आजकल बैच के, है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से भी चर्चे हो रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे इस पर 5 जुलाई को, आज इसका मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, तो मिलते हैं हम इसमें 5 जुलाई को। 5 जुलाई को मैं भी मिलूंगी, मैं मिलूंगी 5 से 6 में। बाकी सारा मैंने शेड्यूल डिस्कस कर दिया है, अगर एप्लीकेशन पे जाओगे बैच के अंदर तो वहां पर सबसे नीचे कॉलम मिलेगा डेली क्लास शेड्यूल का, वहां पर मैंने इसका बैच का शेड्यूल डिस्कस कर दिया है, वहां पर जाके चेक कर लेना। और इसके अलावा इसका कल रात तक का मैंने एक दिन और कर दिया है, जितने बच्चे आ सकते हैं आ जाइए। हमारी तरफ से तो मतलब ठीक है, हमारा बैच बन गया अच्छा खासा, अच्छे खासे बच्चे आ गए, हमें बस इस पर पढ़ाना है। अब हम लोग तैयार हैं और हमारे सारे टीचर्स तैयार हैं, तो अगर किसी को कल तक और आना है तो मैंने आप लोगों की डिमांड पे इस पर हिंदी भी ऐड करवा दिया है। बच्चे कहते ना मैम हिंदी स्पेशल भी करवा दो, क्योंकि SSC GD वालों को हिंदी काम आएगा, बात सही भी थी, UPSI वालों को काम आएगा हिंदी, UP SSC वालों को काम आएगा, इसलिए मैंने इसमें हिंदी स्पेशल का बैच भी ऐड करवा दिया है, कल दिख जाएगा आपको एप्लीकेशन पर। इसीलिए चलो तो 299 अमाउंट कल रात के 12 बजे तक, कल जब आप मेरे साथ क्लास करोगे उसके बाद इसका अमाउंट 1499 हो जाएगा। तो देख लेना, किसी को बता देना, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को जिसको बहुत ही ज़्यादा इतना अमाउंट पे करने की जिसकी हाँ हिम्मत नहीं है फिलहाल। अरे कहाँ गया हमारा क्रशर, कभी कभी ना ये डिजिटल बोर्ड मुझे परेशान करता। तुम लोग यार जल्दी से नौकरी वोकरी लग के कोई अच्छा सा एक डिजिटल बोर्ड मुझे गिफ्ट कर दो यार, हाँ ये डिजिटल बोर्ड मुझे बहुत परेशान करते हैं। हालांकि मैंने बहुत बेस्ट क्वालिटी वाला लगवा रखा है, अब इससे बेस्ट टेक्निकल टीम वाले तो कहते हैं इससे बेस्ट कुछ होता नहीं है। आओ चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं, और जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो मुझे एक डिजिटल बोर्ड अच्छा वाला, आजकल स्लिम वाले चल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, मैं भी सोच रही हूँ एक लगवा लूँ, है ना, बहुत जल्दी तुम लोग गिफ्ट करना एक बढ़िया सा। आओ करें स्टार्ट फिर आज की क्लास। अब एक बच्चा इतनी रोने वोने वाली स्माइली क्यों कर रहा है, पूनम इसका मैसेज चेक कर लेना, कोई बच्चा परेशान है तो प्लीज़ उसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना।
क्या है उसका कमेंट करके रिप्लाई, नाम लेके कमेंट कर देना। आओ फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, जल्दी से फटो, जल्दी से पढ़ो, पढ़ के जितनी भी बातें हैं सारी लिख देना उसके बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पॉलीमर से क्वेश्चन डालें क्योंकि पॉलीमर से हर साल क्वेश्चन बनता है। एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, यूपी टीजीटी का बोल रहा हूँ, तुम लोग उसके भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। नॉनस्टिक यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ, हमारे घरों में रसोई के अंदर नॉनस्टिक कढ़ाई आती है, नॉनस्टिक फ्राई पैन आते हैं जिसके अंदर खाना वाना चिपकता नहीं है, तो वो किस पॉलीमर का बना हुआ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर तीन चार क्वेश्चन पॉलीमर से रिपीट होते हैं। कौन कौन सा होता है, बैकेलाइट वाला, नायलॉन वाला, रेयोन वाला, पॉलीअमाइड वाला, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में सारे हो जाएंगे, आज नहीं तो अगली क्लास में केमिस्ट्री में सब हो जाएंगे। तो जो पॉलीमर से क्वेश्चन आते हैं सारे में ऑलमोस्ट आज आ जाएंगे सारे, ठीक है। नॉनस्टिक यूटेंसिल्स जो हमारे घरों में रसोई के अंदर जो बर्तन आते हैं, ऐसे बर्तन जिनके ऊपर खाना वाना चिपकता नहीं है, तो वो किस पॉलीमर के बने हुए होते हैं, कौन से बहुलक के बने हुए होते हैं, यही आपसे पूछा है। जल्दी से आंसर करो, किसके बने हुए होंगे, कौन बच्चा इसका सही आंसर करेगा। ए, ए वाला गलत, ए तो बनाता है क्या, बैकेलाइट के क्या बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच हमारे घरों में जो आपके बिजली के बटन है ना, जिसको आप ऑन ऑफ करते रहते हैं वो, और जो प्रेशर कुकर होता है उसका हैंडल बना हुआ होता है इसका, तो प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर अगर पूछे, प्रेशर कुकर या आपका ये जो जो विद्युत स्विच आते हैं, बिजली वाले जो बटन होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, तब आप बैकेलाइट सही करोगे। लेकिन आपसे पूछे फ्राई पैन वगैरह जो नॉनस्टिक फ्राई पैन होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं टेफ्लॉन के। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ए को अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब टेफ्लॉन या तो ऑप्शन में होगा टेफ्लॉन, या दूसरा क्या ऑप्शन में होगा, दूसरा ऑप्शन में होगा टेट्रा फ्लूरो इथिलीन। बच्चों अगर कभी आपसे पूछ ले कि जो टेफ्लॉन पॉलीमर है वो किसका पॉलीमर है, केमिकली उसे क्या बोलते हैं, तब आप करके आओगे टेट्रा फ्लूरो इथिलीन। टेट्रा फ्लूरो इथिलीन फॉर्मूला क्या होता है, C2F4। एक्चुअली जब आप C2H2 से C2H4 से इन C2H4 से जब इन चार हाइड्रोजन को आप फ्लोरीन हैलोजन से रिप्लेस कर देते हो, तब क्या बनता है, टेट्रा फ्लूरो इथिलीन बनता है। और टेट्रा फ्लूरो इथिलीन ही कहाँ काम आता है, टेफ्लोन बनाने में। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नॉनस्टिक यूटेंसिल्स किसके बने हुए होते हैं, तो जरूरी नहीं है तुम आंखें फड़फड़ के टेफ्लोन वाला ऑप्शन ढूंढो, टेफ्लोन ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। तो टेफ्लोन नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा, C2F4 मिलेगा, या मिलेगा टेट्रा फ्लूरो इथिलीन। तो अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। और बैकेलाइट किसे क्या बनता है, प्रेशर कुकर का हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच इज द मोनोमर ऑफ नाइलोन। कौन बताएगा बच्चा, इसका आंसर कौन बताएगा कि जो नाइलोन, नाइलोन के क्या क्या बनते हैं, नाइलोन की बनती है रस्सियां, जिन रस्सियों के ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं, या नाइलोन के बनते हैं कपड़े, कपड़े बनाने में काम आता है नाइलोन। मछली पकड़ते हैं उस जाल को, मछली को पकड़ने वाला जाल जो होता है, मछली को पकड़ने वाला जाल, ये ऐसा कैसा एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मछली को पकड़ने का जो जाल होता है वो किस बहुलक का बना हुआ होता है। तो रस्सी हो गई, मछली पकड़ने वाले जाल हो गए, और बताऊं सुबह सुबह उठ के किससे करते हो टूथब्रश, जो आप कोलगेट वगैरह किस पे लगा के करते हो, टूथब्रश करते हो ना आप, पेस्ट करते हो, उस ब्रश का जो हेयर्स होते हैं, उस ब्रश के ऊपर जो बाल से हैं, वो किसके बने हुए हैं, वो नायलोन के बने हुए हैं। तो नायलोन मछली पकड़ने वाला जाल हो गया, कपड़े हो गए, रस्सियां हो गई, और जो आप टूथब्रश करते हैं उस टूथब्रश के ऊपर जो हेयर है, जो बाल है, वो भी किसके बने हुए होते हैं, नायलोन के बने हुए होते हैं। और जब बात करते हो नायलोन किसका बहुलक है, बच्चों पॉलीमर क्या होता है, जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ती हैं और एक बड़ा सा कंपाउंड क्रिएट करती हैं, उसे हम पॉलीमर, उसे हम बहुलक कहते हैं। तो जब छोटी छोटी एकलक इकाइयां, छोटी छोटी मोनोमर, सिंगल यूनिट एन नंबर में जुड़ जाती हैं, बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं, तब जाकर आपके पास एक पॉलीमर बनता है। तो आपसे पूछा है कि ये पॉलीमर है नायलॉन,
तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? तो आप बताओगे अमाइड, अमाइड ये आपके पास ऑप्शन हो सकता था, पोलीअमाइड, पोलीअमाइड, पोली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जब अमाइड की एन यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं तब जाकर आपका पोलीअमाइड बनता है। और पोलीअमाइड किसका बहुलक है? तो अमाइड का बहुलक है, अमाइड का। तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता था क्या कि नाइलोन को बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूनिट यूज हुआ है, तो वहां पर ऑप्शन में आपका अमाइड, अमाइड। लेकिन अगर पूछता कि नाइलोन को केमिकली किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताते? तब आप बताते बच्चा कि नाइलोन को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं, पोलीअमाइड नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अमाइड कर लेना। और ये लिख लेना कि रस्सियां, कपड़े और इसके अलावा मोजे वगैरह, मोजे भी बनते हैं इसके, जब आप कभी सर्दियों के अंदर आग वाग ताप रहे होते हैं तो मोजे के ऊपर अगर आग गिर जाती है तो मोजे क्या होते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि मोजे इसी के बने हुए होते हैं, ये आग को पकड़ लेता है नायलोन। इसके अलावा स्टार्च किसका बहुलक होता है? स्टार्च होता है ग्लूकोज का बहुलक। लिख लेना कॉपी में, स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च इज ऑल्सो ए पॉलीमर। स्टार्च भी एक बहुलक है, किसका? ग्लूकोज का। जब बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तब जाकर आपको स्टार्च मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इज ए नेचुरल फाइबर हेयर, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक है, मतलब जो नेचर में प्रेजेंट होता है, जिसको आप प्रकृति से रिसीव करते हो, जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल तरीके से आप रिसीव कर सकते हो, तो नेचुरल कौन सा है? बाकी तीन क्या होंगे? बाकी तीन आर्टिफिशियल होंगे या सिंथेटिक कह सकते हो आप। नायलोन, नायलोन सिंथेटिक होता है बच्चों। अगला टेरिलीन सिंथेटिक होता है, और टेरिकोट, ये तीनों सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, तीनों मैन मेड हैं, तीनों इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि जो रेयोन होता है, रेयोन एक नेचुरल फाइबर है। एक्चुअली एक बात बताऊं, रेयोन नेचुरल भी नहीं कह सकते, इसे सेमी नेचुरल कह सकते हो आप, इसको सेमी नेचुरल कह सकते हो। अप्रोक्स 90% सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ये 90% सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे एग्जाम में कि रेयोन किसका बहुलक है, आप क्या बताओगे? सेल्यूलोज का। ये किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज आप जानते हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, प्लांट सेल में होता है, प्लांट से मिलता है हमें। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो रेयोन किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक नेचुरल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कहां पर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, पादपों, पेड़ पौधों से सेल्यूलोज मिलता है, और पेड़ पौधों के डेड वाले पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल से मिलता है। तो सेल्यूलोज किससे मिलकर बना हुआ है आप बता दोगे? सेल्यूलोज से कौन मिलकर बना हुआ है? रेयोन। बाकी के तीन ऑप्शन आप सही नहीं कर सकते थे, क्योंकि तीनों क्या हैं? सिंथेटिक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेस्ट ऑफ सुगर मील इज यूज्ड बाय, चीनी की मील जहाँ पर गन्ना होता है, गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। तो चीनी वाली जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, उस फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उन फैक्ट्रियों से, तो वो किस इंडस्ट्री का मेन सोर्स बनता है, वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है? सबसे पहले बच्चों आप याद रखना, शुगर जो होती है, चीनी किससे बनती है? चीनी, चीनी आप किससे बनती है आप बताओगे? सुक्रोज से। सुक्रोज को ही आप क्या बोलते हो? नेचुरल शुगर। या आप सुक्रोज को क्या बोलते हो? टेबल शुगर, टेबल पर सर्व होने वाली, या इसे हाउस होल्ड शुगर कहते हैं, घरों में काम आने वाली चीनी किसकी बनी हुई होती है? सुक्रोज। अब आप जानते हैं सुक्रोज किस में होता है? सुक्रोज दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। मैं बहुत कुछ पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, एक बार फिर से रिपीट करके वापस पढ़ा रही हूँ। क्या क्या मैंने कहा कि शुगर, चीनी, चीनी किससे मिलकर बनी हुई है? सुक्रोज। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आप जानते हैं फ्रक्टोज कहाँ होता है? गन्ने में होता है, गन्ने में। तो गन्ने को, गन्ने का रस निकाल लिया, वो मशीन में गन्ने का जूस पीते हो तो आप देखते हो ना कि वो क्या करता है, गन्ने वाले भैया आप बोलते हो एक ग्लास जूस दे दो, तो वो गन्ने को उस मशीन के अंदर देता है और निचोड़ के उसका जूस निकाल लेता है, और जो गन्ना बचता है उसे अलग स्टोर करता है, कभी फेंकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो गन्ने के जो छिलके हैं, जिन्हें आप छिलके बोलोगे या जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो वो बोल लो आप, तो उस गन्ने के छिलके को बाद में वो बेच देता है, और बेचता है तो उसी गन्ने के छिलके से क्या बनते हैं? पेपर बनता है, पेपर, पेपर।
क्या बनता है? पेपर। तो ये किस इंडस्ट्री में काम आता है? पेपर या कागज इंडस्ट्री में, या आम भाषा में बोलते हैं हम, गत्ता बनाने में काम आता है। गत्ता समझते हो ना, है ना? तो गत्ता बनाने में काम आता है। तो कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने कि अगर जहां पर ऐसी फैक्ट्री जिससे शुगर बन रही है, शुगर किससे बनती है? शुगर क्या होती है? सुक्रोज। सुक्रोज कोई टेबल शुगर बोलते हैं, और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो गन्ने के अंदर क्या होता है? सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। अब क्या होता है कि गन्ने के अंदर अपने रस निकाल लिया, उसको चीनी या गुड़ बना लिया उससे, और जो बाकी का जो गन्ने के जो छिलके से बचे हैं उनको बेचा जाता है, क्योंकि उससे पेपर या गत्ता बनाने में काम में आता है। तो शुगर मिल से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधा पेपर मिल में जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी वीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, समुद्री खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? अनवांटेड कोई भी प्लांट उग जाता है कहीं पर। अब समुद्र का मतलब, जो समुद्र के अंदर खरपतवार उगी है उससे हमें क्या मिलता है? समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? और बच्चों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो फटाक से एक बार वीडियो को लाइक करो, जिसने भी लाइक नहीं करी है, ठीक है? तो समुद्री खरपतवार से क्या बनता है? आयरन बनता है? नहीं। क्लोरीन निकलता है? नहीं। ब्रोमीन? नहीं। आयोडीन। समुद्री खरपतवार से मिलता है हमें आयोडीन। और बच्चों आयोडीन से बनने वाले सारे क्वेश्चन लिख लो। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? गोइटर, जिसे आप घेंगा रोग बोलते हैं। और दूसरा, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन का कौन सा समस्थानिक I-131 यूज में लिया जाता है? कहां पर? गोइटर के उपचार में। ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि घेंगा रोग के उपचार में कौन सा आयोडीन का समस्थानिक I-131। आयोडीन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो लस्टर है। लस्टर का मतलब है इसमें चमक होती है। आयोडीन इकलौता ऐसा अधातु है जो चमकता है। और आयोडीन, मैंने और भी बताया था आपको, टिंक्चर आयोडीन है ना, टिंक्चर बनाने में क्या काम में लिया जाता है? आयोडीन काम में लिया जाता है। तो आयोडीन का स्रोत क्या है? आयोडीन का स्रोत होते हैं समुद्री खरपतवार। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करवाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आयोडीन की कमी, तो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ही गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है। फिर उस घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131 आइसोटोप यूज में लिया जाता है। क्लियर है? और आयोडीन इकलौता ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। और आयोडीन एक हैलोजन एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन आप जानते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं हुई। अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे की दो पटरियां हैं, एक पटरी ये, एक पटरी ये, मतलब एक ही पटरी थी, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया, मतलब ये दोनों पटरियों में थोड़ा सा टूट गई है, हल्की फुल्की टूट गई। तो इनके बीच में किससे वेल्डिंग की जाएगी? अब यहां पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देने वाले हैं। अब मुझे तुम लोगों का कॉमेंट, मोबाइल फोन में देखूं कॉमेंट, चलो सामने ही देखती हूँ। अब मुझे पता है तुम लोगों के गलत आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ के सही भी आंसर आ रहे हैं, कुछ का आ रहा है डी ऑप्शन। डी में लिखा हुआ है सोल्डर। अरे उल्लुओं, सोल्डर क्या होता है? सोल्डर, पहले सोल्डर की बात सुनो, नीचे दिख रहा है ना। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु है। टांका, जिसको बोलते हैं ना टांका लगाना, टांका इसी को कहा जाता है। किस किस का होता है? टिन प्लस लेड। टिन और लेड का एक अलॉय है, टिन और लेड का एक मिश्र धातु है सोल्डर, जो कहां काम आता है? टांका लगाने के लिए। लेकिन टांका किस पर? रेल की पटरियों पे नहीं, ये टांका लगाने का काम करता है बच्चों पीतल वगैरह, जैसे पीतल के बर्तन है हमारे घर में, और वो पीतल का बर्तन ऊपर से ऐसे उसमें क्रैक सा पड़ जाता है, टूट सा जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं बाजार में ले जाओ और उसको टांका लगवाओ। तो बाजार में क्या करते हैं, वो सोल्डर मशीन होती है, उससे उसको टांका लगा देते हैं। तो सोल्डर कहाँ काम आता है? टांका लगाने के लिए पीतल वगैरह पे, पीतल, कांसा, इन सब पे, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इनको वापिस जोड़ने के लिए
टांका लगाते हैं उसे सोल्डर बोलते हैं। अब बात करते हैं, आपसे पूछा रेलवे ट्रैक। भैया ऐसे रेलवे की पटरी है, इस पटरी के बीच में हल्का फुल्का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो इसको भरना भी तो पड़ेगा ना, इस डिस्टेंस को। तो यहां पर आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम मेटल यूज होती है, तो इस पटरी के बीच में जहां पर भी गैप बना है वहां पर ऐसे एल्यूमिनियम भर दिया जाता है और यहां से पूरा आपका ये पटरी फिर एकदम ठीक हो जाता है। तो टांका आंसर नहीं होगा, टांका पीतल हो गया, कांसा हो गया, इन सबको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि यहां पर एल्यूमिनियम पाउडर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, कुछ बच्चे अभी तक कमेंट को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक नहीं करे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक भी करा करो और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि बच्चे आए नहीं ना अभी तक, बच्चों को पता नहीं लगा ना। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। आपकी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ एसीटिलीन फ्लेम। एसीटिलीन कहाँ काम आती है? वेल्डिंग गैस कहा जाता है, वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग लोहे वगैरह का जो सामान होता है उस पर क्या करते हैं, हम वेल्डिंग करवाते हैं। तो वेल्डिंग में जो गैस काम में आती है या उससे जो फ्लेम निकलती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? सबसे पहले मेरी बात सुनो, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वेल्डिंग गैस कौन सी होती है, तो एक बात बताऊं, एक तो होता है एसीटिलीन। एसीटिलीन के साथ, एसीटिलीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, तो एसीटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है। भाई आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। तो कभी आपने वेल्डिंग की तो देखा होगा ना, वेल्डिंग जहां करते हैं वहां पर ऐसे आग के स्पार्कल्स गिरते रहते हैं, आग ऐसे स्पार्कल, आग के ऐसे मतलब स्पार्कल से निकलती रहती हैं, तो वो आग कौन लगा रहा है वहां पर? ऑक्सीजन। तो जब एसीटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो उसे ऑक्सी एसीटिलीन कहा जाता है, उसे ऑक्सी एसीटिलीन, और इसी ऑक्सी एसीटिलीन को कहा जाता है वेल्डिंग गैस। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना कि ऑक्सी एसीट जो आपकी वेल्डिंग गैस कौन सी है, तो सिर्फ अकेला एसीटिलीन सही मत करके आ जाना, गलत हो जाओगे। ऑक्सी एसीटिलीन, और ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना 3200 अप्रोक्स, ये किसका होता है? ये होता है ऑक्सी एसीटिलीन का। मतलब फ्लेम बोला है, फ्लेम का मतलब जो आग लगी, और वो आग कौन लगा रहा है? ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि 3200 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स 3200 डिग्री सेल्सियस ऑक्सी एसीटिलीन या एसीटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर होता है, और इतने टेम्परेचर पर आपकी जो आयरन वगैरह है वो मेल्ट हो जाता है, आयरन वगैरह होता है वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसलिए एसिटिलीन फ्लेम को कहाँ का पर काम में लिया जाता है? वेल्डिंग गैस। इसके अलावा आप एक चीज़ और सुनते होंगे, इसके अलावा हम एसिटिलीन को और कहाँ काम में लेते हैं? C2H2 को। इसी को कहा जाता है फलों को पकाने वाली गैस, फलों को पकाने वाली गैस। जो फ्रूट्स होते हैं उनकी राइपनिंग, लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से। आपके घर में आम का पेड़ लगा हुआ है और उसके ऊपर आम लगे हुए हैं, लेकिन आम है कच्चे। आप बहुत दिनों से देख रहे हो कि आपके आम पके नहीं हैं, तो आप क्या करोगे, आप में इतना पेशेंस है नहीं कि वो पक जाए, तो पके नहीं है तो आप उसको कच्चा तोड़ लोगे, और कच्चा तोड़ के क्या करोगे, CaC2। CaC2 क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड, बोलते हैं ना कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, और साथ में हल्का फुल्का पानी छिड़क दोगे तो H2O। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा C2H2। कौन सी गैस बनेगी? एसीटिलीन। और यही एसीटिलीन क्या करती है? फलों को पकाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट्स की राइपनिंग कौन सी गैस करती है, फलों को पकाने वाली कौन सी गैस होती है, तब आप बताओगे एसीटिलीन गैस होती है। और जब यही एसीटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो वो ऑक्सी एसीटिलीन कहलाता है, और जिसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जो वेल्डिंग करने में काम में आता है। तो कैल्शियम कार्बाइड भी ऑप्शन में हो सकता है या एसीटिलीन भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फाइबर लीस्ट प्रोन टू कैच फायर इज। इनमें से कौन सा एक फाइबर है, इनके पास कौन सा एक कपड़ा है, कपड़े का प्रकार पूछा है, कौन सा एक कपड़ा है जो बहुत ही कम आग पकड़ता है। अब आग पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि यहां से आग आप लेके जा रहे हो वो कपड़ा उसको आग पकड़ लेगा, नहीं, जो
चिपकता कम है आग के साथ, हीट के साथ। तो आप जानते हैं कॉटन के कपड़ों के अंदर, आप डेली यूज में देखो ना, एक तो कॉटन का कपड़ा है और एक नायलॉन है या पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर पे तो आप कभी आयरन करते ही नहीं हो क्योंकि उसमें सले वले पड़ती नहीं है। कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सले पड़ी हुई होती हैं, तो आपको अपनी आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाकर उस कॉटन के कपड़े से जो सले गिरी हुई हैं वो सही हो जाती हैं, वो फ्लैट हो जाता है। जबकि पॉलिस्टर वगैरह का तो चिपक जाता है। अभी 5-7 दिन पहले मैं आयरन कर रही थी तो एक मेरे पास कुर्ता था पॉलिस्टर वाला, हल्का सा, मतलब उसमें पॉलिस्टर था, तो वो चिपक गया मुझसे। मुझे मालूम ही नहीं था इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे सेट करके आयरन करूं। इसलिए याद रखना, कॉटन का कपड़ा है वो बहुत लेट से क्या होगा, मतलब सही हो पाएगा या उसको बहुत लेट से आग पकड़ पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो चुके हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि विच इज ए कलरफुल गैस, इनमें से कौन सी एक रंगीन गैस है। हाँ जी, कौन सी एक रंगीन गैस है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। कौन सी एक गैस है जो रंगीन गैस है, चलो आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करो। कौन सी गैस रंगीन है, इनमें से कौन सी गैस एक रंगीन है। एक कह रहा है ए, ए में क्या है, ऑक्सीजन। चांटा मारूंगी खिंचा के, ऑक्सीजन लेते हो तो क्या कलरफुल दिख रही है क्या तुम्हें ऑक्सीजन, कभी तुम्हें चारों तरफ घूमा ऐसे दिख रही है ऑक्सीजन कलरफुल, चांटा मारूंगी। एक क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन गैस लाइट येलो कलर की होती है, हल्के पीले रंग की होती है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस रंगीन गैस है, अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, आप सब जानते हैं क्लोरीन गैस क्या करती है, क्लोरीन गैस जर्म्स को मारने का काम करती है। जर्म्स, स्विमिंग पूल की सफाई किस गैस से की जाती है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो स्विमिंग पूल होता है उसकी सफाई, उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं, इतने सारे लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो सबका पसीना पसीना ऐसे टपक रहा है तो जर्म्स तो बनेंगी ना, उन जर्म्स को मारने के लिए, स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए क्लोरीन गैस डाल दिया जाता है। अब जिस स्विमिंग पूल में आज ही क्लोरीन गैस डाला है और तुम जाकर उसमें डुबकी लगाओगे तो 5-7 दिन के बाद देखोगे तुम्हारे बाल सफेद हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा स्विमिंग है जिसके अंदर क्लोरीन गैस से सफाई हुई है सुबह सुबह, तो बालों में खूब सारा तेल लगा के जाएं ताकि आपके बाल सफेद ना हो, वरना तो 7-8 बार नहा लोगे तो बाल एकदम सफेद हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन विरंजक एजेंट है, विरंजक एजेंट की तरह काम करती है, बालों को कैसा कर देगी, सफेद या हल्का सा ब्राउन सा कर देगी। और फिर आप सोचोगे अरे मैम हम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े क्या हो गए तुम, है बुढ़ापा नहीं है वो तुम्हारा, वो तुम्हारे बाल क्लोरीन से सफेद हो गए हैं। तो क्लोरीन लाइट येलो कलर की होती है और क्लोरीन जर्म्स को मारने का काम करती है, स्विमिंग पूल वगैरह की सफाई करते हैं हम क्लोरीन से। इसके अलावा क्लोरीन हमारे बॉडी में भी होता है, किसकी फॉर्म में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड है, कहाँ होता है, हमारे पेट में, इसलिए तो बोलते हैं कि हमारे पेट में एक एसिड है। तो अगर हम कभी जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह खा जाते हैं तो वो जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक काम ये भी होता है कि ये जर्म्स को मारता है या बैक्टीरिया को मार देता है आपके पेट में। और इसी HCl के फॉर्मेशन में कौन काम आता है, क्लोरीन। और क्लोरीन आप कहाँ से लेते हो, पानी में। ऐसा माना जाता है कि पानी में 0.02 से लेकर 0.05 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। इतना पानी, इतने पानी जिसके अंदर 0.02 से लेकर 0.05 मिलीग्राम क्लोरीन पर लीटर ऑफ वाटर, एक लीटर पानी में इतना क्लोरीन होना चाहिए। इतना क्लोरीन जाकर HCl बनाएगा और HCl आप जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनर्ट गैसेस फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, वो कौन सी इनर्ट गैस है जो हमारे वातावरण में ज़्यादा मात्रा में होती है। आपसे इनर्ट गैस पूछा है, इनर्ट गैस पूछा है, ठीक है। इनर्ट गैस कौन सी ज़्यादा है, थाइलीन क्या है, थाइलीन एक नेचुरल हार्मोन है जो प्लांट के अंदर बनता है। चलो क्या पूछा है कि
कौन सी इनर्ट गैस है? इनर्ट गैस कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनॉन, रेडोन एंड ऑग्नेंसन, इनमें से ज्यादा कौन सी होती है? अगर पूछे कौन सी गैस ज्यादा है, तब तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, नाइट्रोजन गैस, कितना परसेंट? 78%। लेकिन इनर्ट गैस में ज्यादा कौन है, तब आप बताओगे बच्चों आर्गन, अप्रोक्स 8%। आर्गन एक इनर्ट गैस होता है, इसीलिए आर्गन का मात्रा सबसे ज्यादा होता है। अब पूछे कौन सा इनर्ट गैस ज्यादा है, तब तो आर्गन हो गया अप्रोक्स 8% में। कौन सा इनर्ट गैस है जो कम है, तब आप आंसर क्या करोगे, रेडोन। रेडोन ना के बराबर, रेडोन तो होता ही नहीं है, लेकिन जब ज्वालामुखी फटती है तो वहां से रेडोन गैस निकलती है। तो याद रखिएगा कि आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम 18 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर होता है और आर्गन 8% में होता है। अगर पूछे सबसे कम कौन सी निष्क्रिय गैस होती है, तब आप रेडोन बोलोगे। और एक क्वेश्चन आता है जब ज्वालामुखी निकलती है तब वहां पर कौन सी गैस होती है, रेडोन। और रेडोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडोन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगर आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन कहाँ काम में आता है, आर्गन काम में आता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, विद्युत बल्ब में, जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैस रहती हैं। अब आर्गन ज्यादा है इसलिए तो आपने आर्गन यहाँ काम में ले लिया। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर्गन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर्गन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओल्ड बुक्स पेजेस टर्न्स इनटू येलोइश कलर बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ। हमारी पुरानी किताब कभी उठाकर देखना, आठवीं नवीं दसवीं क्लास की किताबें, अभी आप निकाल के देखोगे, मेरे पास सारी किताबें पड़ी हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी किताबें बेच देते हैं। मैंने जब से होश संभाला, होश कौन, दसवीं क्लास, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं, मेरी सारी क्लासेस की मेरे पास आज तक मेरे घर पे मेरी बुक्स रखी हुई हैं। और मेरी मम्मी इतनी परेशान है उन किताबों से, कभी इस बेड में डालती कभी उस बेड में डालती, उन्हें लगता है कि उसमें बेच दूं रद्दी में। लेकिन मेरा, मैंने बचपन में एक चीज़ सीखी थी कि विद्या को कभी बेचना नहीं चाहिए, विद्या को बांट देना चाहिए, या फिर विद्या को किसी को दे देना चाहिए जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है। ऐसा बचपन में कहते थे बातें ना, स्कूल में ऐसी बातें होती थी ना। तो लेकिन आज वो पुरानी किताबें अगर आप खोल के देखोगे तो उनके पेज कैसे हो गए होंगे, पीले रंग के पड़ गए होंगे। तो आपसे पूछे वो पीले क्यों पड़ गए, क्योंकि हमारे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसके बने हुए होते हैं, कागज वगैरह, कागज इंडस्ट्री में क्या काम में आती है, कागज इंडस्ट्री में आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट काम में आती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की वजह से वो क्या पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। सेल्यूलोज की वजह से क्या हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज किसका बहुलक है, सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, सेल्यूलोज एक बहुलक है, किसका बहुलक है अगर आपसे पूछ ले तो ग्लूकोज का ही बहुलक है। जब बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है, ग्लूकोज की एन यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो एक पॉलीमर बनता है, और कौन सा पॉलीमर, सेल्यूलोज पॉलीमर बनता है। और यही सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स में कहाँ, तो प्लांट की सेलवोल में, प्लांट की सेलवोल में, इसीलिए तो प्लांट वगैरह से क्या बनाया जाता है, पेपर वगैरह बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सेल्यूलोज होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओल्ड ऑयल पेंटिंग टर्न्स ब्लैकिश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अगर कोई पुरानी पेंटिंग है, अपने घरों में कोई पुरानी पेंटिंग है, उस पुरानी पेंटिंग का बहुत दिनों के बाद, 4-5 साल के बाद आप देखोगे वो किस कलर की हो गई है, वो काले रंग की हो गई है। अक्सर आप ना केमिस्ट्री को हमेशा और हमेशा डेली लाइफ में एग्जांपल देख के पढ़ा करो, आपको केमिस्ट्री इतना आसान लगेगा, इससे ज़्यादा आसान कुछ लगेगा ही नहीं आपको। चलो बताओ, हाँ जी, पुरानी पेंटिंग देखी होगी, एक ऐसे औरत खड़ी है, अपने पेंटिंग लगा रखी है, वो पेंटिंग काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, पहले ध्यान से सुनो, पेंटिंग जब बनती है तो उसके अंदर कौन सी मेटल यूज होती है, पीबी बोले तो लेड, प्लम्बम यूज होता है। और जैसे ही ये लेड, अब क्या है, आपके घरों में गाड़ियां हैं, आसपास का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में कौन सी गैस, आपकी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या आ गया, सल्फर। और कल की क्लास में बताया था सल्फर आएगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, PbS, और PbS क्या होता है, लेड सल्फाइड। और यही लेड सल्फाइड फिर क्या करेगा, काले रंग की परत चढ़ा देगा उसके ऊपर। कैसे रंग की, काले रंग की परत चढ़ा देगा। फिर आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए, पेंटिंग के अंदर कौन सी मेटल यूज हुई, तो लेड हुई, प्लम्बम, पीबी यूज हुआ। अब पूछे उस पेंटिंग के ऊपर काली
परत क्यों जम गई, किसकी वजह से, सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपसे पूछ ले कि अब इस लेयर को हटाना है, पेंटिंग का नेचुरल कलर चाहिए आपको, तब आप क्या करोगे, H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड से उसे साफ कर देते हैं। हाइड्रोजन परोक्साइड क्या करेगा, उसकी जो काली परत है उसे हटा देगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि पुरानी पड़ी हुई पेंटिंग का काला रंग किस केमिकल की सहायता से हटाया जाता है, तो वो आप बताएंगे हाइड्रोजन परोक्साइड, H2O2। ठीक है। हाँ, चांदी का कलर भी सल्फर की लेयर चढ़ने से आपका AgS बन जाता है, इसीलिए हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना, जितने वॉचिंग है उतने तो एटलीस्ट लाइक होने चाहिए ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक फोस्जीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा एक इनमें से ऑप्शन है जो कि फोस्जीन जैसी खतरनाक गैस में बदल जाता है, जो कि फोस्जीन जैसी खतरनाक गैस में बदल जाता है। आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म कुछ नहीं होता है, बताऊं क्या होता है, CH4 क्या होता है, मिथेन होता है। CH4 क्या होता है, मिथेन। जब इस मिथेन में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाए किससे, क्लोरीन से, एक हाइड्रोजन तो पड़ा ही है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाए किससे, क्लोरीन से, तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है आपको, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ पर काम आती है, बेहोश करने के लिए। जब किसी को बेहोश करना है तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक पर्पस के रूप में यूज में लिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में इसे काम में लिया जाता है। जब कभी इंसान का कोई छोटा मोटा सर्जरी होता है, 15-20 मिनट का कोई सर्जरी होता है, टांके लगते हैं, टांके खुलते हैं, तो उसको बेहोश कर दिया जाता है ताकि उसका नर्वस सिस्टम रिएक्ट ना करे, उसे दर्द वर्द ना हो, वरना तो पता लगे इधर टांके लग रहे, इधर आ हा चिल्ला रहा वो, इसलिए उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया जाता है। अब आप कभी लैब में देखोगे तो क्लोरोफॉर्म, 11वीं क्लास में यार जब भी वाइवा होता था टीचर यही आके क्वेश्चन पूछता था हमसे, तो क्या होता था कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क ब्राउन कलर की बोतल में या कोई कलरफुल बोतल में और कपड़े से बांध के रखा जाता था, और कभी भी क्लोरोफॉर्म वाली बोतल को ना आधा नहीं रखा जाता था, पूरा भर के रखा जाता था, और उसके ऊपर क्या, एक सफेद कलर का कपड़ा या कपड़ा उसे कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म को आपने खुला छोड़ दिया तो CHCl3 और किससे रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में ये रखा आपने इसको, इसे ऑक्सीजन मिला तो ये यहां से बनाता है CaOCl2, इसे कहा जाता है फोस्जीन, इसे क्या कहा जाता है, फोस्जीन, और ये फोस्जीन होती है टॉक्सिक, ये होती है जहरीली, फोस्जीन बना देती है क्लोरोफॉर्म। इसीलिए सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए ब्राउन कलर की बोतल में और कपड़े से बांधकर, ताकि उसमें एयर वेयर ना जाए, और खुला छोड़ दोगे तो उसके अंदर, मतलब फिर तो आप सोच रहे ना वो क्लोरोफॉर्म नहीं है, वो फोस्जीन है। और फोस्जीन आपको याद है, हिटलर क्या करता था, ऐसे एक चैम्बर बनाता था और उस चैम्बर के अंदर आदमियों को भर दिया और गैस छोड़ दी, इसे गैस चैम्बर बोलते थे। तो हिटलर अपने गैस चैम्बर में क्या करता था, फोस्जीन फोस्फिन जैसी खतरनाक गैस छोड़ देता था, इंसान अंदर रह रह के दम घुट घुट के इंसान मर जाता था। तो क्लोरोफॉर्म को कभी भी आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो एक खतरनाक क्या बना देगा, फोस्जीन बना देगा, और ये फोस्जीन सीधा जाके आपके फेफड़ों को ही फाड़ देगा, इंसान मर जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेटल फाउंड इन द अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ द मून सरफेस, चंद्रमा की सतह पे कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब अगर आपसे पूछा होता अर्थ क्रस्ट में, भूपरपटी में तो कौन सा मेटल ज्यादा है, बताओ, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ज्यादा कुछ है ही नहीं, जान रहे हैं मेरे क्वेश्चन, समझ रहे हैं, अगर आप भूपरपटी की बात करते। हाँ जी, अभी लेट आए उनको भी गुड इवनिंग, जो लेट आए हैं, जो पहले आए हैं, सबको गुड इवनिंग, लेकिन यार टाइम पर आया करो यार, जब मैं टाइम पे आ सकती हूँ तुम भी टाइम पे आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, समय की कीमत, समय रहते हुए जान लोगे तो अपना समय बचा लोगे और अपना समय अच्छा कर जाओगे, क्योंकि एक ही चीज़ है इस दुनिया में जो बीत गई तो वापस नहीं आएगी, वो समय है। आओ यहाँ पर चलिए, तो अर्थ क्रस्ट में भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा मेटल कौन सी होती है, एल्यूमिनियम, लेकिन अगर आपसे पूछे मून सरफेस पर ज्यादा कौन है, सीजियम सबसे ज्यादा होता है मून की सरफेस पर, और सीजियम कहाँ काम में लिया जाता है, एटॉमिक वॉच बनाने में, एटॉमिक वॉच परमाणु घड़ी बनाने में
किस मेटल का उपयोग लिया जाता है तो बता देना। परमाणु घड़ी बनाने में सीजियम का उपयोग लिया जाता है, सीजियम को काम में लिया जाता है। एंड सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीटी। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कोई है तो वो सीजियम है। आवर सारणी के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन माना जाता है? सीजियम माना जाता है। सीजियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो शायद 55 पे आता है ना, हाँ 55 पे। और कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 1 में, जिसे एल्कली मेटल कहा जाता है। ब्लॉक पूछे तो एस ब्लॉक याद कर रखा होगा, हलीना की रब से फरियाद, तो से क्या बनता है? सीजियम बनता है। तो मून के सरफेस एरिया पर कौन है? सीजियम ज्यादा है। लेकिन अगर पूछे सन सरफेस पे कौन है, सन सरफेस पे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ये बात तो शायद बच्चा बच्चा जानता है, क्या बताएं इसके ऊपर। सारे पॉइंट नोट कर लेना कॉपी के अंदर, मजाक लेने मजाक में लेने की तो जरूरत ही नहीं है इस क्लास को, ठीक है। एप्लीकेशन में डाउनलोड का ऑप्शन नेक्स्ट जुलाई में आ जाएगा, रोहित शर्मा, ठीक है रोहित शर्मा। टीजीटी में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे टीजीटी में क्वेश्चन। टीजीटी में क्वेश्चन के कोई घुंघरू लगे हुए होते हैं क्या? यही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग थोड़ी होता है। महासंगम बैच का पेमेंट कर दिया है, बैच एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कल हो जाएगा, हम करवा देंगे। क्योंकि 1000 बच्चों में से 2-4 बच्चों का नहीं हुआ, वो हम मैनुअली करवा देंगे यहाँ से। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले ये सुन लो, बस पढ़ लो तुम तो, कि मून की सरफेस पे क्या है? सीजियम। सीजियम कहाँ काम आता है? परमाणु घड़ी में। सीजियम ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल होता है, एटॉमिक नंबर 55 होता है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीटी। और अगर पूछे अर्थ क्रस्ट में ज्यादा कौन है? एल्यूमिनियम। अगर पूछे सन सरफेस पे कौन ज्यादा है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। देख रहे हो तुम? अब फिर कहते हो मैम तो मैम ने प्रैक्टिस बैच फ्री दिया है, ऐसे तो ऐसे मुझे तो लगता है कि मैं स्टूडेंट होती ना तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती, ऐसे ही मजा आता पढ़ने में। आओ अगला क्वेश्चन आप एक चुटकी में कर दो, जल्दी बताओ। ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के पैरों में होता है, पैरों में लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 19, एटॉमिक नंबर 19 दिया है। एंड एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है? 40। तो क्या पूछे? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, निकाल दो न्यूट्रॉन। सुनो ध्यान से कि जेड इज इक्वल टू, मैंने समझा रखा है, जेड इज इक्वल टू ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जेड इज इक्वल टू ऑल्सो पी का मतलब क्या है? प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन है, और वही उसका एटॉमिक नंबर है, जेड है। तो आपसे क्या पूछा है? कोई एक ऐसा एटम है मान लो एक्स, उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 19। तो एटॉमिक नंबर जेड पैरों में होता है उसके। एटॉमिक मास कितना दिया है? 40। ऊपर लिखा जाता है सिर पे एटॉमिक मास होता है, पैरों में एटॉमिक नंबर होता है। अब न्यूट्रॉन पूछा है तो न्यूट्रॉन कैसे? ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाला वैल्यू घटा दो, मतलब ए माइनस जेड करोगे तो वो क्या निकल जाएंगे? न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो बच्चों कितना है ए? कितना है? 40। 40 माइनस 19, तो इतनी मैथ तो आती है, कर लेना। 40 माइनस 19 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 21। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 21। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने आते हैं कि नहीं आते हैं तुम लोगों को? कभी वो भी सिखाऊं मैं तुम लोगों को, है? चलो आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा? हाँ जी, एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसकी है? अब भैया ये तो जो साइंस बैकग्राउंड का होगा तो वो तो एक सेकंड में ऐसे आंसर कर देगा। अब थोड़ा सा कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को हल्की सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। देखो एक कह रहा हैप्पी बर्थडे, अरे हो गया, कितने दिन मनाऊं बर्थडे? तुम भी यार हद्दी हो यार, गया जन्मदिन, बस पढ़ाई करो, मुझे भी पढ़ाने दो, वरना तुम बार बार विश करोगे तो मैं वो हैप्पी बर्थडे वाली फील लेने लग जाती, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। आओ यहां पर, क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे इसका? सी कैसे आंसर कर रहे हो तुम लोग बे? चलो सुनो, सी कर रहे हो, पक्का कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे। सुनिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन, अरे भैया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन की तो कोई बात ही नहीं है, आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन का तो क्या ही लिखोगे। लिथियम कैसे लिखा जाता है? लिथियम का 2 रेख
दो और एक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हो गया। सोडियम कैसे लिखते हैं? 2, 8, 10 और 1। पोटेशियम कैसे लिखते हैं? आर्गन पोटेशियम कैल्शियम 19 नंबर पे आता है, 2, 8, 10, 2, 8, 18 और 1। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है? के में है। इसका ये के में है, ये एल में है। इसका ये के में है, एल में है, एम में है। इसका ये के में है, एल में है, एम में है, एन में है। तो भैया इसमें चारों शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा किसकी होगी? पोटेशियम की होगी। अब हार्ट्स वाले सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, ऐसा ही क्या, ये क्या हो गया। अब इसके लिए बेटा छुरी वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का के और एल में है 2 और 1, सोडियम का 2, 8, 1 होता है, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1 क्योंकि 19 नंबर पे आता ना पोटेशियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। तो पोटेशियम का ऑब्वियसली बात है जब चार शेल है ऐसे 1, 2, 3, 4 तो ये रेडियस क्या होगी? इसी की तो ज़्यादा होगी। तो पोटेशियम की एटॉमिक रेडियस इनमें से सबसे ज़्यादा होती है, वैसे ज़्यादा नहीं होती है, इनमें से ज़्यादा होती है। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विल रिएक्ट विद एसिड, इनमें से कौन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन बताएगा ये क्वेश्चन? हाँ जी, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलो वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तुम लोग? हाँ हाँ, ये थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ आर्ट्स और कॉमर्स वालों की फीलिंग्स। अब मुझे भी तो इकोनॉमिक्स नहीं आता, मुझे भी नहीं पता ना डिमांड सप्लाई क्या होता है, मुझे भी नहीं पता ना डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है, सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम ज़्यादा होता है, मुझे भी नहीं पता ना, मुझे भी हिस्ट्री नहीं आती। तो क्या हो गया इसमें, तुम्हें भी नहीं आ रहा थोड़ा बहुत? डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो, डरना नहीं है, करना है। आइए यहाँ से, इनमें से कौन सा अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? 10वीं क्लास में पढ़ा था मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर में कि मेटल्स हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, मेटल्स हमेशा एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातु हमेशा अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब आप, सल्फर मेटल होता है क्या? नहीं, नॉन मेटल है। फॉस्फोरस मेटल है? नॉन मेटल है। क्लोरीन मेटल है? नॉन मेटल है। तो मेटल कौन सी बची? जिंक। तो जिंक को करवा दो किसके साथ? एसिड, जैसे आपने पढ़ा होगा HCl के साथ करता है, तो क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बनाता है। ये लो, तो मेटल के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? जिंक करेगा, Zn जिंक करेगा। क्लियर हो रहा है कुछ? खोपड़ी में बैठ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज चल रही हूँ? ऐसा तो नहीं है मैं तेज चल रही हूँ और फिर तुम लोगों कहोगे क्या पढ़ा के जाती है ये मैडम, ऐसा कुछ तो नहीं है ना बच्चों? हाँ जी, अब करो जिंक का पोस्टमार्टम, जल्दी बताओ जिंक के बारे में क्या क्या जानते हो? आप लोग बताओगे जिंक के बारे में क्या क्या जानते हो, मैं नहीं बताऊंगी। कहाँ गया जिंक? ये रहा। हाँ जी, जिंक के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं आपके पास? जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जिंक 30 नंबर तक तो याद किए होंगे हर किसी ने, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। और जिंक कौन से ब्लॉक में आता है? बीच वाले में। बीच वाला बोले तो डी। और जिंक हमारे बॉडी में कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जिंक बहुत जरूरी होता है, इसीलिए जिन लोगों को शुगर होती है, जिन लोगों को डायबिटीज होता है, डॉक्टर उसे बोलता है जिंक खाओ, जिंक खाओ। नेक्स्ट, जिंक हार्मोन जो होता है वो जिंक हार्मोन नहीं, जिंक मिनरल हमारे सलाइवा में, लार में होता है, स्वेट पसीने में होता है। आप जब रोते हो तो उन आंसुओं में आप जिंक बहा देते हो, नहीं बहाया करो, क्योंकि जिंक इम्यूनिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। इसीलिए तो आजकल बोल रहे हैं, जब कोरोना हाई पिक पे था तो लोग क्या ला रहे थे? विटामिन सी। बोलते थे भैया, मेडिकल स्टोर वाले को बोलते थे भैया विटामिन सी की टैबलेट दे दो, जिंक वाली, जिंकोविट दे दो। क्यों? क्योंकि जिंक इम्यूनिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। और जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए तो रामबाण है जिंक। तो जिंक खाया करो। जिंक के लिए क्या खाओ आप? अंडा खाओ, जिंक के लिए केला खाओ, जिंक के लिए आप दूध वगैरह पियो, इनमें भी जिंक होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 30 होता है। और जिंक एक लेस रिएक्टिव मेटल होती है, जिंक बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के चारों तरफ क्या कर देते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। शाबाश, मजा आ गया आज तो तुम लोगों को पढ़ा के। एक कह रहे हैं मैम आप ब्लैक सूट में अच्छी लगती है, मतलब मैं ब्लैक सूट इसलिए पहन के आई हूँ कि तुम्हारा कमेंट आए और तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझ पर ब्लैक सूट अच्छा लगता है, तब मैं वापस ब्लैक सूट रिपीट करूँगी। कहाँ से आते हो वे, हाँ कहाँ से आते हो, कहाँ से आते हो मुँह उठा के ये बताओ तुम? मैम आप पर ब्लैक सूट अच्छा लग रहा है, आप खुले बालों में आके पढ़ाया करो,
कोई कहता है बंद बालों में आके पढ़ाया करो, मैंने देखा है मेरी फोटो पे नहीं और सारी बहुत सारी लड़कियां पढ़ा रही होती हैं फीमेल टीचर्स, मैम आप खुले बालों में आया करो, आप पर काला सूट अच्छा लगता है, लाल सूट अच्छा लगता है, अबे यार गेट ए लाइफ यार, है ना, वो आता ना देखी होगी ना गेट ए लाइफ श्रीकांत, डोंट बी ए मिनिमम गाय, कौन था वो, डोंट बी ए मिनिमम गाय, काला अच्छे लगे, नीला अच्छा लगे, पीला अच्छा लगे, सफ़ेद अच्छा लगे, अभी मैं क्या तुझसे रात को 10 बजे 11 बजे यहाँ पर इतना भौंक भौंक के पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तेरे को काला सूट दिखाने आई हूँ, कोई बात नहीं है, हे भगवान। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन जिंक। आप देखो अब आप कहीं आप निकालने लग जाओगे, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भैया अगर एटॉमिक नंबर 30 दिया होता तो 30 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन आपसे पूछा है ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन पूछा है आपको घुमाने के लिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन जेड एन प्लस प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो आप जान सकते हैं। अब पूछा है कि इसका एटॉमिक नंबर 40 है, अब ध्यान से सुनना, आप लोग क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, आप लोग चलो ऑप्शन नहीं है तो अच्छा हुआ ऑप्शन नहीं है 28 वाला, नहीं तो तुम क्या करके आते हैं, जिंक 30 नंबर पे आता है तो जिंक में एटॉमिक नंबर 30 है तो 30 में से दो करके तुम 28 कराते हैं, 28 का ऑप्शन नहीं है ना, अच्छा है नहीं है। अगली लाइन पढ़ो, इफ इट इज एटॉमिक नंबर इज 40, अगर जिंक के अंदर 40 उसका एटॉमिक नंबर 40 है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड, जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अब बताओ जिंक का, जब इस जिंक का, इस जिंक का, उस जिंक की बात नहीं कर रही मैं, इस जिंक का एटॉमिक नंबर अगर 40 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 40, लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है, दो चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट, डोनर, त्याग दिए इसने, तो 40 में से दो गए, कितने बच गए, 38। ऐसे कभी कभी ना एनडीए सीडीएस में इंसान के दिमाग को घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर बच्चा 28 वाला ऑप्शन होता तो 28 लेकर चल लेता, नहीं 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 नहीं, यहां पर अगली कंडीशन तो पढ़ो कि 40 नंबर एटॉमिक नंबर है तो अगर दो नेगेटिव होते, अगर लिख देता जेड एन माइनस 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 टू, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, 40 पहले से थे, दो ये तो 42 हो जाते हैं उसके पास, कितना, 42 वाला ऑप्शन ठीक हो जाता। आओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच मेटल प्रोटेक्टेड बाय इट्स ऑन ऑक्साइड फ्रॉम कोरोजन। ये कल की क्लास में करवाया था, कल की क्लास में क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी लेकिन क्वेश्चन सेम था, इनमें से कौन सी धातु उसी के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित रहती है। कल मैंने कहा था एल्यूमिनियम जो है वो अपने ही चारों तरफ अपना ऑक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इसके ऊपर कोई भी और रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए एल्यूमिनियम अपने ही चारों तरफ अपने ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है और इसी को मैंने क्या नाम दिया था, एल्यूमिना, इसी को क्या कहा जाता है, एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम इकलौती ऐसी धातु है जो अपने चारों तरफ अपने ही ऑक्साइड की एक लेयर बना के रख लेती है ताकि कोई और यहां पर रिएक्शन ना हो, इसीलिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी धातु का कोरोजन नहीं होता, किस पर रस्टिंग वस्टिंग नहीं होती, जंग वगैरह नहीं लगता, तो आपका आंसर वहां क्या होगा, एल्यूमिनियम ही होगा, आपका आंसर वहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम ही होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ही होगा। मैम क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया करें, अरे सर एंड मैडम ये क्या लिखा हुआ है, टेलीग्राम क्या लिखा हुआ है, साइंस विद काजल मैम ब्रैकेट में ऑफिशियल चैनल, यहाँ पर लिंक होगा आपके पास डिस्क्रिप्शन में, जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कल तो मैंने हाथों हाथ डाल दिया था अपने टेलीग्राम में, 20 मिनट के बाद मैंने पीडीएफ डाल दी थी, पहले जाओ चेक करा करो इस टेलीग्राम में, खंकाला करो, तब जाकर आके बोला करो कि तुम पीडीएफ नहीं देती हो मैडम, मैं हमेशा पीडीएफ देती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा विद सॉल्यूशन नहीं दूंगी, मेरी मर्जी, सारी बात तुम लोगों की मानूं क्या मैं, है, आओ यहां पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम को सुरक्षा प्रदान करता है, मेटल विच इज रिलेटेड टू गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आर्ट्स और साइंस और कौन कौन से हो गए, जो भी आपके बैकग्राउंड है, हर एक बैकग्राउंड वाला बच्चा इसका आंसर दे सकता था। आयरन, आयरन Fe, आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, आयरन अति
अतिक्रियाशील धातु होती है, बहुत जल्दी आयरन की रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन को बचाने के लिए आयरन के चारों तरफ हम किसकी परत चढ़ा देते हैं, हम किसकी परत, तो आप बताओगे जिंक की परत। अब आप बोलोगे मैम जिंक की क्यों चढ़ाई, क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव मेटल, जिंक बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, ये क्रिया नहीं करेगी, इसलिए अंदर आपका आयरन सुरक्षित है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इसके नाम सुनना, देखना, गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में इसे गैल्वेनाइजेशन, और फैक्ट्री वगैरह में जब ये काम करते हैं ना तो इसे कहते हैं डिपिंग प्रोसेस, इसे कहते हैं डिपिंग प्रोसेस, और इसी को हिंदी में गल्वीकरण, गल्वीकरण आ सकता है, या यसद लेपन, यसद लेपन नाम से आता है, तो वो आप देख लेना। तो लोहे पर जंग लगने से लोहे को बचाना है तो उस लोहे के ऊपर, हम तो पेंट कर देते हैं घरों में अपना गेट वेट पे, लेकिन उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दोगे तो लोहे का लाइफ स्पेन बढ़ जाता है, लोहे के ऊपर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या डिपिंग प्रोसेस, या इसी को यसद लेपन या गल्वीकरण कहा, या जस्ताकरण भी कहा जाता है, जस्ताकरण भी कहा जाता है, क्योंकि जिंक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता, जस्ता, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर इज मेड अप, प्रेशर कुकर इज मेड बाय, अच्छा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का हैंडल नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रेशर कुकर, कुकर 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 का जो नीचे वाला बेस वाला एरिया है वो किसका बना हुआ है, तो प्रेशर कुकर बना हुआ होता है एल्यूमिनियम का, और कल की क्लास में याद है एल्यूमिनियम का एक एस्क बता के गई थी, कौन सा, ड्यूरालिन, ड्यूरालूमिन, स्पेलिंग गलत है, ड्यूरालूमिन ऐसे होगा लिख लेना, ड्यूरालूमिन। तो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का, और कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि ड्यूरालूमिन में कौन कौन सी मेटल होती हैं, एक्चुअली ड्यूरालूमिन इज ए अलॉय, मिश्र धातु होती है ड्यूरालूमिन, किस किस की मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम प्लस एमन मैंगनीज प्लस एनआई निकिल, इन तीनों को जब मिक्स करते हो तो एक अलोय बनता है, जिस अलोय का ड्यूरालूमिन बोलते हैं, और यही ड्यूरालूमिन मैंने कल बताया था हवाई जहाज की बॉडी बनाने में काम में आता है, याद है कल की क्लास, हवाई जहाज की बॉडी, जो एरोप्लेन बॉडी है वो किसकी बनाई जाती है, आप क्या बताओगे, वो ड्यूरालूमिन की बनी हुई होती है, ठीक है। चलो, और प्रेशर कुकर का हैंडल पूछेगा तो वो बैकेलाइट का बना हुआ होगा, प्रेशर कुकर का जो पूरा हिस्सा जो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ये बात दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जर्मन सिल्वर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस में ये क्वेश्चन ना इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं, टीचिंग के लिए डी टू प्लस बी का बैच है बच्चा ऑलरेडी, जो भी पूछ रहा है सुधांशु, एक कह रहा है कान की बालियां बहुत अच्छी लग रही हैं, हाँ तुमसे तारीफ करवाने के लिए तो कान की बालियां खरीद के लाई थी मार्केट से, कि और आज पहन के भी इसे ले आई हूँ कि भैया आप आओगे तो मेरी तारीफ करके जाओगे ना। चलो बताओ, पहले वीडियो को लाइक करो, जल्दी आप वीडियो को लाइक करो। जर्मन सिल्वर, मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलती हूँ जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, सच्चा प्यार सच्चा नहीं होता, ऐसे ही जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, जर्मन सिल्वर इज ए अलॉय, किस किस का, कॉपर निकिल जिंक, जर्मन सिल्वर में तीनों होते हैं, कॉपर भी होगा निकिल भी होगा और जिंक भी होगा, और अगर इसे हार्ड करना है तो कार्बन मिला दो, क्योंकि कल मैंने बताया था कठोर करना है तो क्या कार्बन मिला दो, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता और सच्चा प्यार सच्चा नहीं होता, याद रखना, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता, बस इसका नाम जर्मन सिल्वर है, जर्मन में बनाया गया सिल्वर जैसा अलॉय दिखता है इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रख दिया, लेकिन है नहीं है, जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं है। ये देखो भाई साहब, एक आए बहुत एक आए कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, क्या बात बोल रहे हो यार तुम्हें। चलो, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो क्या तुम मुझसे नहीं पढ़ोगे, और अगर मेरी शादी हो गई दो बच्चे हो गए तो क्या मुझसे पढ़ना छोड़ दोगे, ये बताओ पहले तुम, तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है मेरी शादी होना नहीं होना, बच्चे होना नहीं होना, कितना मैटर करता, हाँ
जितना एक बेरोजगार समाज के अंदर लोगों से ताने सुनता है ना, उतना ही मैटर, जितना तुम हम आपने 7-8 साल से तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होगे और तुम्हारे घर में तुम्हारा कितना महत्व होगा ना, जितना मैटर कर रहे होंगे तुम अपने घर वालों के लिए, उतना ही मैटर मेरा शादीशुदा होना और नहीं होना करता है तुम्हारे लिए। आई बात समझ में? अब भाई साहब तुमसे ब्लॉक नहीं होते हैं कैसे कॉमेंट, यह आते ही ब्लॉक होने के लिए हैं, समझ गए तुम? तुम ब्लॉक कर दिया करो। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। आओ यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हद है यार यूट्यूब की इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती, पता है कैसे कैसे? आपके बाल अच्छे हैं, आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं, बंधे हुए बालों में अच्छी लगती हैं, काला सूट अच्छा लगता है, पीला सूट अच्छा लगता है, ऐसा लग चलो आ गई साउंड आ गई। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी तुम लोगों से, ये कह रही थी मैं कि अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई, अगर हो चुकी होती ना तो ये ऐसे कमेंट देख के ससुराल वाले कि आपकी आपकी बालियाँ अच्छी लग रही हैं, आपका काला सूट अच्छा लग रहा है, आपके बाल खुले अच्छे लग रहे हैं, आपके बाल बंधे हुए अच्छे लग रहे हैं, ये देख के ना ससुराल वाले पढ़ाना लिखाना छुड़वा देते मेरा, इसलिए अच्छा है मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। और शादी होगी ना उस दिन के बाद अगर तुमने ऐसा कमेंट करे ना, पकड़ पकड़ को एक एक को मारूंगी तुम लोगों को, एक एक को पकड़ को मारूंगी, इसलिए इसलिए ऐसे कमेंट मत करा करो। तुम्हें नहीं पता, तुम तो एक कमेंट करके तुम्हारे हाथ में झुंझुना है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें झुंझुना दिला दिया, तुम लोग एक कमेंट टाइप कर देते हो, लेकिन उस समय पर मेरे घर वाले देख रहे होते हैं, कल को मेरे ससुराल वाले देखेंगे उस वीडियो को, तो तुम्हें पता है कैसी हालत होगी फिर? मैं क्लास ख़त्म होने के बाद उन्हीं लोगों से, मुझे उन लोगों को फेस करना है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा है हमें नहीं चाहिए कोई, तुम कोई कल से पढ़ाना बंद कर रही हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसे कॉमेंट मत करा करो, नौकरी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी अपनी, समझ रहे हो तुम? आओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? पता ही है आपको इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, धातुएं, धातुएं क्या करती हैं हमेशा, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, धातुएं हमेशा विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, डोनेट करती हैं, तो आप देख लो मेटल कौन सी है, सल्फर मेटल है क्या, नहीं, और नाइट्रोजन मेटल है क्या, नहीं, ऑक्सीजन मेटल है क्या, नहीं, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नेट्रियम, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, थोड़ी देर पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा था 2, 8, 10, 1, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इसीलिए सोडियम इज इलेक्ट्रॉन डोनर, सोडियम इज इलेक्ट्रॉन डोनर, और सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है, और सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, पनीर जैसा, चाकू से काट सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विल शो अट्रैक्शन फॉरवर्ड ब्लड हीमोग्लोबिन, इनमें से कौन सी गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण प्रकट करता है? क्वेश्चन समझ में आया, कौन सी गैस है जो हमारे खून में जल्दी से घुल जाएगी? जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत बार बताया है, इट इज द मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ब्लड, यह है खून में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा घुलने वाली गैस है, सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा खून में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में जाकर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक परमानेंट पिगमेंट बना लेती है, और किसको रिप्लेस कर देती है, ऑक्सीजन को, और धीरे धीरे आपको नींद आना महसूस होगा, मीठी नींद आएगी,
घुटेगा और आप मर जाओगे। इसीलिए इसको मीठी नींद लाने वाली गैस या इसीलिए इसको दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा तेज हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, फिर ऑक्सीजन जुड़ता है और फिर कौन जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जल्दी परमानेंट पिगमेंट कौन बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको रिप्लेस कर देगा, ऑक्सीजन को। इसीलिए इसे दम घोटू गैस या फेफड़ों को चीर फाड़ कर देने वाली गैस या बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, ये सब आपने सुन रखा होगा, है ना, ये सब आपने सुन रखा होगा। ये कौन है, संदीप सिंह शेखावत। तुम संदीप सिंह शेखावत कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें, हाँ कोई और नहीं मिला तुम्हें, आओ यहाँ पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक। आप जो सिगरेट पीते हैं उसके अंदर कौन सा पॉल्यूटेंट मौजूद होता है। एक्चुअली सिगरेट से ना तीन क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना क्या क्या। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप जानते हैं ये बात, लेकिन जानते हुए भी आप बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं। सुनो, सिगरेट से तीन प्रश्न आते हैं। पहला पूछता है सिगरेट लाइटर में, जिस लाइटर से आप सिगरेट जलाते हैं उस लाइटर में कौन सी गैस होती है। सिगरेट लाइटर में होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन अगर छुओगे ना कभी तो ठंडी लगेगी ब्यूटेन आपको। अब पूछे सिगरेट जब जलाते हैं तो उसका धुएं से कौन सी गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर में लिख लेना, ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है। अब सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसीलिए बोलते हैं एक्टिव स्मोकिंग जितना डेंजर है उतना ही पैसिव स्मोकिंग भी डेंजर है। आपका एक दोस्त है वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन आपको दोस्ती निभानी है, आपको उसके बगल में खड़ा होना है। दोस्त तो पी रहा है सिगरेट ऐसे फिल्टर से छान कर तो पी रहा है, छन कर तो जा रहा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन आप उसके बगल में खड़े हैं, आपके तो सीधा फेफड़ों में जा रहा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए दोस्त से दोस्ती बाद में निभा लेना जब वो सिगरेट पी के आ जाए उसके बाद। एक क्वेश्चन आता है सिगरेट में कौन सा केमिकल होता है, निकोटीन होता है जो ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा कर देता है। तो सिगरेट के धुएं के अंदर कौन सा पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लो बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच विल यूज्ड टू मेक थर्मामीटर। थर्मामीटर जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको बनाने के लिए कौन सी दो चीज, कौन सा चीज यूज होगा। मरकरी सब जानते हैं, मरकरी यूज होता है थर्मामीटर में, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। अल्कोहल, आपका दोनों ऑप्शन ठीक होगा। बच्चों जनरली अपने वाले एरिया में, दिल्ली विल्ली वाले एरिया में जहाँ ठंड वंड नहीं है, वहां पर तो मरकरी होता है थर्मामीटर में। लेकिन जब अगर बहुत अधिक टेम्परेचर पर चले गए आप, है ना, अधिक का मतलब माइनस में, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, जब बहुत ज्यादा ठंड वंडे, मतलब आप ऊपर जाते हो या तो मतलब पहाड़ों वहाड़ों पे चढ़ते हो, तो वहां पर ना मरकरी बहुत अधिक तापमान पे काम करना बंद कर देती है, तो वहां पर काम आता है अल्कोहल। तो जनरली ऐसे भी थर्मामीटर आते हैं जिनमें अकेला मरकरी होता है, लेकिन ये ऐसे भी आते हैं कि मरकरी और अल्कोहल दोनों डला हुआ होता है। तो याद रखिएगा दोनों ही, यहाँ पर बोथ वाला ऑप्शन नन्नी होगा, बोथ वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। और वीडियो को लाइक करो, 5000 में सिर्फ, अरे हो गए 5000 बोलने से पहले ही, बहुत बढ़िया। आओ अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर इज रिलेटेड टू, सोडा वाटर, सोडा वाटर का मतलब क्या है। थम्सअप, कोका कोला, मरिंडा, माजा वाजा नहीं, माजा फ्रूटी नहीं, और ना ही आपकी वो हार्ड ड्रिंक्स। सोडा वाटर मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो बोतल जिनको आप खोलते हो या जिनको आप ऐसे पहले हिला देते हो उसके बाद खोलते हो तो बहुत सारी गैस निकलती है, तो वो कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर पूछ ले कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सा एसिड होता है, तो CO2+H2O, H2CO3, H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल होता है। तो कार्बोनिक एसिड होता है, CO2 गैस होती है, किसमें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, माजा वाजा में नहीं होगा, थम्सअप, पेप्सी, कोका कोला, और ये ना ही पिए तो अच्छा है, ठीक है। बीमारियों का आधा घर, अगर मैं बात करूँ ना, बीमारियाँ सबसे ज़्यादा इन्हीं सॉफ्ट ड्रिंक से ही होती हैं, तो मत पिया करो। मैं कभी नहीं पीती, तुम लोग कभी मुझे थम्सअप, कोका कोला वगैरह पीते हुए नहीं दिखोगे। हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत लिमका ले लेती हूँ मैं, बाकी मैं कभी नहीं पीती, क्योंकि जिस दिन आपने इनको बनता हुआ देख लिया, इतना चीनी वीनी डलता है, तुम लोग दिमाग खराब हो जाएगा देख के। अगला क्वेश्चन है एसिड यूज इन ग्लास कटिंग, कांच को कौन सा एसिड काट देता है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच है, लेकिन सच है, कांच को कौन सा एसिड काट देता है। मैम CBT 2 में आएंगे क्या क्वेश्चन, गजब है यार, तू तो यार
सीबीटी टू में मतलब क्वेश्चन के आगे कटरीना कैफ की फोटो लगी हुई आएगी, फिर ऑप्शन में एक करीना कपूर की फोटो लगी हुई आएगी ना। और यहाँ पे कांच को काटने के लिए कौन सा एसिड, दो एसिड याद रखना, एक तो हो गया HNO3 बोले नाइट्रिक एसिड प्लस HF, HF कौन सा होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये मैं आज बता रही हूँ। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप इन, आपने इन दोनों को कॉन्सेंट्रेटेड उठाया और इनको कांच के बर्तन में रख दिया तो कांच को भी क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसीलिए कभी भी आप केमिस्ट्री वाली लैब में देखोगे ना तो HNO3 को और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है, कभी भी कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, इसे रखते हैं अक्सर एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में। कभी कभी ना एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कांच को काटने के लिए कौन सा एसिड, तो नाइट्रिक एसिड या HF होता तो ये ऑप्शन हो जाता, ठीक ठीक है। अब पूछो कांच के ऊपर वो लिखा लिखते हैं ना, कांच के ऊपर लिखने के लिए कौन सा एसिड काम में लिया जाता है, तब भी यही दोनों होंगे, तो ये काट सकते हैं तो उसके ऊपर लिखने के लिए भी काम में आते हैं। तो कांच को काट देते हैं HNO3 प्लस HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड तो एक्सप्लोजिव होता है, ये बात जानते होंगे आप, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है नाइट्रिक एसिड। तो अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर हो गया है, 32। बॉन्ड विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन DNA, हमारा DNA है, DNA की ऐसी इमेज बनाते हो, यस मैम बनाते हैं, फिर ये बीच में ऐसे डंडे से लगाते हो ना, ऐसे दो और नीचे तीन, फिर दो फिर तीन फिर दो फिर तीन, लगाए कभी ऐसे डंडे, ये बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, डीएनए की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये डबल ये ट्रिपल, ये डबल ये ट्रिपल, तो याद रखना इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। डीएनए की संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये ऊपर वाला भी हाइड्रोजन है, नीचे वाला भी हाइड्रोजन है, क्या काम आते हैं, इनसे जुड़ते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, इनसे क्या जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार, एडनीन साइटोसिन ग्वानीन थाइमीन, ये सब जुड़े हुए होते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, कौन सा बॉन्ड आप बताओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थराइटिस प्रॉब्लम इन बॉडी, गठिया रोग किस एसिड के जमाव के कारण हो जाता है, गठिया रोग किस एसिड के जमाव के कारण होता है। जब बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं हाथ पांव के, जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स की में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है, बेसिकली घुटनों में दर्द आने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जब इंसान की किडनी विडनी प्रॉपर खून को फिल्टर नहीं कर पाती है, प्रॉपर यूरिन में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पाती है, तब यही यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और एक्यूमुलेशन होकर ऐसे जुड़कर और ये कहाँ चला जाता है, जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में सबसे ज़्यादा जाता है, नी के अंदर जाएगा, फिर घुटने में उठने में बैठने में चलने में प्रॉब्लम होगी, और इसे ही क्या बोलते हैं, गाउट, गठिया रोग कहते हैं। तो किस एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग होता है, यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मिथाइल सैलिसिलेट इज आल्सो कॉल्ड, गला बैठ गया, बस ये लास्ट करेंगे ना, मिथाइल सैलिसिलेट किसका नाम होता है, मिथाइल सैलिसिलेट को एक और किस नाम से जानते हैं, जैसे ऑयल और विट्रियोल, विट्रियोल का तेल या ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऐसे ही मिथाइल सैलिसिलेट किसे कहा जाता है। आपने वो देखा रबड़ के, रबड़ का जो प्लांट होता है उस पर कहीं भी कट लगाओ लैटेक्स निकलने लग जाता है, रबड़ के पेड़ के ऊपर कहीं भी कट लगाओ दूधिये रंग का जो केमिकल निकलता है लैटेक्स रबड़, जिससे हम नेचुरल रबड़ बनाते हैं, जिसे हम नेचुरल रबड़ बनाते हैं, जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है नेचुरल रबड़, ऐसे ही केरला में एक प्लांट ग्रो करता है, केरला में विंटरग्रीन प्लांट होता है, इस प्लांट को कहीं से भी कट लगाओगे तो इस प्लांट से एक ऑयल जैसी चीज निकलती है, और वही ऑयल, उसी ऑयल के अंदर मैथिल सैलिसिलेट कंपाउंड होता है, और ये मैथिल सैलिसिलेट कहाँ होता है, झंडू बाम, जो तुम में से भी हैं कुछ जो मेरी क्लास में गलत गलत कमेंट करते हैं वो सब झंडू बाम है, ठीक है। तो ये कहाँ काम आता है, आयोडेक्स बनाने में, आयोडेक्स बाम मूव हो गया, और क्या क्या आता है, वोलिनी आता है, और क्या आता है बच्चों, झंडू बाम, तो ये वही झंडू बाम है जो मेरी क्लास में आकर वायद वायद कॉमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, मैं
मैथिल सैलिसिलेट झंडूबाम आयोडेक्स मूव वोलिनी ये सब बनाने में काम आता है। और केरला के अंदर एक प्लांट उगता है विंटर ग्रीन, सर्दियों में शीत ऋतु में उस प्लांट को कहीं से भी कट लगाओगे तो उससे ऑयल निकलता है, उस ऑयल से क्या होता है मैथिल सैलिसिलेट मिलता है और जो आयोडेक्स वगैरह बनाने में काम में आता है। और भी है क्या यार? चलो अब बहुत हो गए यार, बहुत थक गई मैं अब, ठीक है अब थक गई, अब कल करेंगे क्वेश्चन, इतने बहुत हैं। ये हो गए क्वेश्चन, एक बाम तीन काम, झंडू बाम है ना, एक कह रहा मैं हूं झंडू बाम, अपने आप को झंडू बाम बता रहे हो, बताओ यार। अबे यार एक खुद ही कह रहा है मैं झंडू बाम हूँ। सुनो कल रात के 12 बजे तक प्रोमो कोड यूज़ कर लेना टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर, कोई भी लाइव वीओडी बैच परचेज कर लेना। इसके अलावा ये बैच कल भी चलेगा, कल बायोलॉजी की क्लास होगी और ये बैच 299 वाला महासंगम बैच 3 का अमाउंट कल रात 12 बजे तक, कल रात 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा, 12 PM पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ एक कह रहा मैं झंडू बाम हूँ, अभी भी बोल रहा है मैं झंडू बाम हूँ, एक कमेंट को 20 बार और कर रहा है, प्रूफ दे रहा है वो कि मैं सच में झंडू बाम हूँ। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आप। कितने क्वेश्चन ठीक हुए आज, हाँ कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये बता के जाओ जरा। मैं माँ बहुत डांटती हूँ तो टीचर किस लिए होता है? माँ बाप के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो डांट कर पढ़ा सकता है और जो डांट सकता है वो टीचर ही है, वो गुरु ही है। तो गुरु की डांट को कभी दिल से नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मेरी डांट बुरी लग रही ना तो आप में कमी है, मेरे में नहीं है। कभी भी अपने टीचर की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब सिलेक्शन लोगे ना तो तुम्हारे माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होगी। दोस्त वोस्त तो जलेंगे कि अरे यार ये कैसे सिलेक्शन हो गया, पता क्या बोलेंगे वो, पढ़ता बढ़ता था नहीं ऐसे ही भगवान ने दिमाग सा दिया था तो अपने आप थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया बस सेलेक्ट, पेपर इजी आया था उसके समय तो, वो जमाने में सेलेक्ट हो गया, आज नहीं हो सकता हमारे ज़माने में। तो दोस्त तो ऐसे बातें करेंगे तुमसे, लेकिन एक टीचर जब तुम सिलेक्शन लोगे ना तब तुम्हारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, तुम बताओगे, चार दोस्तों को बताना, दो चार गर्लफ्रेंड को बताना और दो चार रिश्तेदारों को बताना और अपने मम्मी पापा को बताना और टीचर को बताना। सिर्फ दो ही प्रजातियां हैं जो तुम्हें खुश मिलेंगी, टीचर और आपके माँ बाप, बाकी रिश्तेदारों को तो वैसे मुंह बन जाएंगे, हमारा लड़का नहीं हुआ उनका लड़का हो गया, अब उसके लड़के के सब लोग वाह वाह करेंगे, हमारे बच्चों को कोई करेगा नहीं। और गर्लफ्रेंड वैसे ही तुम्हें पता ही है भाव देने लग जाएगी अचानक से ही, और दोस्तों के तुम कह ही नहीं सकते कुछ, दोस्तों कहेंगे ऐसे ही हो गया। इसलिए टीचर्स की डांट के, अगर मैं डांटती हूँ तो वो सिर्फ ऐसे ही बोलने को डांटती हूँ, कोई दिल से नहीं डांटती। और यार अब तुम बताओ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों के लिए, मेहनत कर रही हूँ, तुम यहाँ पर ऐसे कमेंट करोगे काला सूट अच्छा लग रहा, बालियाँ अच्छी लग रही, खुले बालों में अच्छे लगते हो आप, बंद बालों में अच्छे लगते हो, तो यार एक मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अपनी डिग्निटी से नीचे जाके तो नहीं पढ़ा सकती ना तुम्हें, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आप नहीं बोलोगे ये सब तो मैं भी नहीं बोलूँगी, मुझे कोई मेरा नर्वस सिस्टम कोई वो है क्या कि भड़क जाता है हर किसी पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो तो महासंगम बैच का कल रात 12 बजे तक ₹299 करवा दिया है मैंने, और इसका PDF साइंस विद काजल मैम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। कल मैं करवाऊंगी आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन, क्योंकि दो दिन बायो हो गया, दो दिन केमिस्ट्री हो गया, कल बायो करेंगे वापस। चलिए पटना ब्रांच पे कब आएंगे? अरे भैया तुम कोरोना में पटना में बुला के क्या करना चाहते हो, हाँ कोरोना काल में पटना में बुलाकर क्या करवाना चाहते हो तुम? हो गया चलो, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो ना, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, अच्छे भी बुरे भी सब पढ़ती हूँ मैं तुम्हारे, ठीक है। चलो और कोई बात होगी तो वहाँ पर आप बोल दीजिएगा। तो कल रात तक करवा दिया मैंने तुम लोगों के लिए, अगर किसी के पास पैसे अरेंज नहीं हो पाए थे, वैसे तो 299 एक बहुत मिनिमम कॉस्ट है, फिर भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, एक दिन और सही हम ना, एक दिन का हमें लॉस और सही। तो कल रात के 12 बजे तक इस बैच को परचेज कर लेना जिस जिसको करना हो, और कूपन कोड में काजल टाइप कर देना, काजल 70 मत करना, सिर्फ काजल करना। अब मैं मिलूँगी कल 10 बजे, सेम टाइम सेम जगह, ओके। चलो आप सभी अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बढ़िया से मौज मारिए, बढ़िया से साथ साथ में अपनी पढ़ाई करते रहिए, है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बस बढ़िया से पढ़ते रहिए अपना। चलो
कल मिलती हूँ, थैंक यू सो मच, बाय।